Assalamualaikum dear students, ये 8.5 जो है वो एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है सिंप्लीफिकेशन की। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसके 6 पार्ट्स जो है वो 6 पार्ट्स जो है वो हमने कर लिए हुए हैं। आगे हम इसके मजीद पार्ट्स जो है वो करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं ये एक्सरसाइज आपको सारी करवाऊंगा, सारे इसके जो पार्ट्स हैं वो आपको करवा दूंगा। आपका काम है कि आपने प्रैक्टिस जो है वो डेली कर ली है। 6 पार्ट स्टूडेंट्स हमने कर लिए हैं, आज हम इसका 7वां पार्ट करेंगे उसी रूल्स को फॉलो करते हुए। ठीक है, बार सॉल्व करेंगे, राउंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और लास्ट पे स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। आज हम देखेंगे इसका 7th पार्ट। 7th पार्ट इज गिवन के एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि इसके ऊपर बार है कि नहीं। बार इसके ऊपर गिवन नहीं है। राउंड ब्रैकेट की तरफ हम चलते हैं। राउंड ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर फी x स्क्वायर, राउंड ब्रैकेट में 2x स्क्वायर और x स्क्वायर, ये वेरिएबल सेम है, इसको हम ऐड कर देंगे। 3x स्क्वायर जो है वो आपका आ जाएगा और बाहर जो साइन है उसका भी आपने ख्याल रखना। ये स्टूडेंट्स आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 3x स्क्वायर और इसके साथ ही आपकी जो राउंड ब्रैकेट की वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट कर्ली ब्रैकेट्स की तरफ आएंगे। कर्ली ब्रैकेट्स में आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है तो एक्स स्क्वायर ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो गई और लास्ट पे आपके पास ये रिमेनिंग वैल्यू बचा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने ये रूल जो ये जो ब्रैकेट्स का जो रूल्स है उसको आपने फॉलो करना है सिंप्लीफिकेशन में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट 8 क्वेश्चन देखते हैं। इसका 8वां पार्ट, 8 पार्ट इज गिवन, आप बुक पे देखें पेज नंबर 95 पर, 7l माइनस 2 इज गिवन बाय 3 इंटू 5l माइनस m माइनस 2 इंटू 4l प्लस m। और इसके अंदर जो है वो फ्लावर ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं हुआ, कर्ली ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं। सबसे पहले चेक करें बार इस पे गिवन नहीं है तो हम चलते हैं राउंड ब्रैकेट की तरफ। राउंड ब्रैकेट इसमें आपको 2 नजर आ गए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 7l माइनस 2, 3 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 माइनस m से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 3 5 से 5 3 था 15l माइनस 3m। आप इसको भी ब्रैकेट में ही रहने, ठीक है, माइनस पहले हम इस 2 को आप मल्टीप्लाई करते हैं, साइन हम बाद में चेंज कर देंगे। 4 2 दा 8 एल प्लस 2 एम। तो स्टूडेंट्स अब आप इसकी जो ब्रैकेट्स हैं वो ओपन करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, खत्म करते हैं इसको। 7 एल माइनस 2, 15 एल माइनस 3 एम माइनस 8 एल। एज यू नो दैट कि ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर साइन जो है वो चेंज हो जाता है, माइनस का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2m। साथ ही आपकी जो राउंड ब्रैकेट है वो खत्म हो गई है, जिसका हमने पीछे अलजेब्रा को सॉल्व किया था कि सेम वेरिएबल्स को हमने इकट्ठा कर लिया था, इसी में भी वही मेथड जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो 7l माइनस 2, तो ये आप देखें 15l माइनस 8l, ये इकट्ठा हो गया माइनस 3m माइनस 2m, इसको हमने इकट्ठा कर लिया। अब आपने 15 में से 15 में से जो है वो 8 को माइनस कर दें, 7l माइनस 2, तो ये आपके पास आ गया 7l। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का जी। स्टूडेंट्स अब आप देखें कि ये जो 2 है ये आपने 7 से भी मल्टीप्लाई करना है और 5 से भी जो है वो मल्टीप्लाई करना है। 2 7 आर 14l, ये 2 इस माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन जब मल्टीप्लाई, और 2 5 आर 10m। इसमें ये जो l वाली वैल्यू है इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये माइनस हो रही है, 14 में से आपने 7 को माइनस करना है तो आपके पास आएगा माइनस 7l प्लस 10m, ये आपका आंसर है। बड़ी वैल्यू का साइन लगाना, बड़ी वैल्यू इस वक्त इधर 14 है। ये आपका था 8th पार्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने 9th पार्ट की तरफ। ठीक है, इसका जो 9th पार्ट है
वो आप देखें। सिक्स ए प्लस थ्री ए प्लस इंटू टू ए प्लस ए प्लस बी, ऊपर बार है और यहां पर सिक्स सी है। सबसे पहले आप देखें बार, बार हमारे पास इधर गिवन है, ठीक है। बार का मैंने आपको बताया था कि अगर इधर माइनस होता तो ये साइन जो है वो चेंज हो जाता, लेकिन यहां पर माइनस गिवन नहीं है, इसको हम खत्म कर देंगे बार को, और जो राउंड ब्रैकेट में उसको हम सॉल्व करेंगे। सिक्स ए थ्री ए प्लस, ये आपका सॉल्व हो गया, थ्री ए प्लस बी, और साथ ही आपकी जो बार है वो खत्म हो गई। नेक्स्ट आप देखें सिक्स ए थ्री ए प्लस थ्री ए प्लस बी, ये आपकी राउंड ब्रैकेट भी खत्म हो गई। अब हम चलते हैं अपनी कर्ली ब्रैकेट्स की तरफ। ये आपकी एक्सप्रेशन जो है सॉल्व होगी सेम वेरिएबल के साथ, सिक्स ए प्लस, ये आपकी सॉल्व हो जाएगी सिक्स ए प्लस बी, और एंड पे आपके पास ये है। अब इसमें भी जो चीज सॉल्व हो रही है सेम वेरिएबल के साथ उसको आप सॉल्व कर लें, तो सिक्स प्लस सिक्स ये आपका ट्वेल्व ए प्लस बी प्लस सिक्स सी, ये स्टूडेंट्स आपका आंसर आ। आपने इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए जो है ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। ये मैंने आज आपको तीन पार्ट्स मजीद करवा दिए, टोटल आपके जो है वो नाइन पार्ट्स एक्सरसाइज के जो है वो हो गए हैं। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ आपने इनको अपनी कॉपीज पे नोट करना है। थैंक यू।